अगर मुगल सबसे बड़े अत्याचारी और अंग्रेज सबसे बड़े लुटेरे थे तो आज हम क्या है? हम लोग मौका ढूंढते हैं, फिर चाहे वह कहीं भी मिले लपक लेते हैं, लूट लेते हैं। कोई मरता है तो मर जाए, बस हमारी भूख मिटनी चाहिए। घरों, सुनसान रास्तों, अस्पतालों तक में लड़कियों से बलात्कार करने वाले मध्य एशिया से नहीं आए थे, वे हम में से ही थे। जब कोरोना महामारी आई तो फल, सब्जी, दाल, दूध, आटा, चावल, चीनी की कीमतें बढ़ाकर अपने ही देशवासियों की जेब पर डाका डालने वाले हम में से ही थे। एक एक सांस के लिए तरसते लोगों की जान का सौदा करते हुए दोगुनी चौगुनी कीमत पर ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर बेचने वाले हम में से ही थे। और तो और, अस्पतालों में हजारों लाखों रुपए वसूल कर बेड दिलाने की दलाली करने वाले भी सऊदी अरब, ब्रिटेन या चीन से नहीं आए थे, वो भी हम में से ही थे। शमशानों में लाशों की कतारें और लोगों की आंखों में आंसुओं का सैलाब देख परमात्मा अल्लाह से डरने के बजाय कफन और लकड़ियों की ऊंची कीमत वसूलने वाले भी हम में से ही थे। कोरोना काल में लोग विटामिन सी के लिए नींबू खरीदने बाजार गए तो उसकी 4 गुना तक कीमत वसूलने वाले बॉर्डर पार करके पाकिस्तान से नहीं आए थे, वो हम में से ही थे। जो नारियल 30 रुपए में मिलता था उसकी कीमत 100 के पार चली गई। क्या लॉकडाउन में नारियल की पैदावार एलियंस खा गए थे? नहीं, यह लोगों के मन का लालच था और उसकी ज्यादा कीमत वसूलने वाले हम में से ही थे। हम लोग मौका ढूंढते हैं, फिर चाहे वह कहीं भी मिले लपक लेते हैं, लूट लेते हैं। कोई मरता है तो मर जाए, बस हमारी भूख मिटनी चाहिए। मौत सिर पर नाच रही है लेकिन सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी जारी है। क्या रिश्वत का पैसा साथ लेकर जाएंगे? आम लोगों की गर्दन पकड़कर पैसा खाने वाले तुर्की से नहीं आए, वे हम में से ही थे। अरे, अस्पतालों से शमशान तक लाशें ढोकर लाने वाले वो लोग भी हम में से ही थे, जो कुछ किलोमीटर के हजारों रुपए वसूल रहे थे, लेकिन न दिल में कोई खौफ और न चेहरे पर कोई शर्म थी। कोरोना काल में रोजगार तबाह हो गए, कमाई खत्म हो गई, लेकिन सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से मीठी मीठी बातें करने वाले, उनके बैंक खातों में सेंध लगाने वाले भी हम में से ही थे। फिर भी हम संस्कारी हैं, विश्व गुरु है, दयावान है, मासूम है, हमें कोई दोष न दे। हाँ, मुगल सबसे बड़े अत्याचारी थे, अंग्रेज सबसे बड़े लुटेरे थे, अभी उन्हें सीधा करना है। हम अत्यंत पवित्र है, हम पाक है, हम ईमानदार है, कोई हम पर उंगली न उठाए, खबरदार। आप देख रहे हैं SD24। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।